दोस्तों 13 लाख रुपए कीमत और 13 सीट्स आएंगी, मतलब इसमें 13 लोगों को बिठा सकते हो आप और 13 लाख रुपए लेंगे आपसे। ये है फोर्स मोटर की क्रूजर, वैसे दो वेरिएंट में आती है, 9+D भी आती है और 12+D भी आती है। फिलहाल मैं इस गाड़ी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि कीमत कितना आएगा और भी डिटेल में कीमत की बात कर लूँगा, सिटिंग कैसे होगी, कितनी कंफर्टेबल है, क्या आता है क्या नहीं आता, A to Z इंजन कौन सा लगा हुआ है और क्या सारी चीज़ें इसके बारे में। तो हम उसको पूरा घूम के, शोरूम का वीडियो है, मतलब वॉक अराउंड वीडियो है, तो हम आपको चला के नहीं दिखा पाएंगे, चला के आपको किसी और दिन ड्राइव इंप्रेशन में दिखा देंगे, पर आज की इस वीडियो में आपको इस गाड़ी के बारे में सारी वो जानकारी मिलने वाली जो आप एक शोरूम पे आके अपने से ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो पसंद आ रहा लाइक कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे शेयर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियो, पहले फ्रंट से फिर गाड़ी के अंदर जाएंगे। यस दोस्तों, पहले अगर आपने फोर्स की गाड़ियाँ देखी है ना, तो उनका फेस थोड़ा अलग आता था, ग्रिल वगैरह थोड़ी सी अलग आती थी। यहाँ पे फोर्स क्रोम से लिखा होता है, यहाँ पे फोर्स का बढ़िया सा लोगो आता है और ये एकदम अंदर थोड़ा ग्लॉसी सा फिनिश दिया हुआ है, ये ऊपर थोड़ा मैट सा फिनिश लगता है। ओवरऑल ये पूरा फाइबर का ग्रिल है, अंदर थोड़ा मेटल का, तो चीज़ें बढ़िया लगती है, पूरा इन्होंने इम्प्रूव कर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको हैलोजन हेडलैम्प्स ही मिलते हैं, ये इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको ये सारे हैलोजन हेडलैम्प मिलेंगे फाइबर के और काफ़ी बढ़िया लगते हैं। एक्चुअली ये पहले से अच्छे मुझे लगते हैं, क्योंकि एक तो है तो ये बॉक्सी ही है, बट देखने में सच बताओ तो ये काफ़ी बढ़िया लगते हैं। बम्पर में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे फॉग लैम्प के लिए जगह मिल जाती है, पीछे हाउसिंग वगैरह आप लगा के फॉग लैम्प वगैरह लगा सकते हो, वो चीज़ है। बाकी ठीक है, यहाँ पे रेडियम रिफ्लेक्टिंग टेप वगैरह सारी चीज़ें, 3M रिफ्लेक्टिंग टेप वगैरह सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ओवरऑल ऐसा सच कुछ नहीं है, जो इनका 2.6 FM CR इंजन है, तो कॉमन है, डायरेक्ट इंजेक्शन के साथ में आता है। यहाँ पे आपको इंटरकूलर वगैरह दिख जाएगा, सारी चीज़ें दिख जाएंगी, टर्बोचार्ज भी इंजन है, जिस कारण से माइलेज बढ़िया देती है, गाड़ी की ताकत वगैरह भी बढ़िया निकल के आती है। गाड़ी में पावर की अगर हम बात करें तो 90 हॉर्स पावर की पावर निकल के आती है और टॉर्क की बात करें तो 250 Nm टॉर्क आता है। सबसे कमाल की बात यह कि जो टॉर्क आता है वो 1400 से लेकर 2200-2400 RPM तक आता है, एक फ्लैट बैंड में आता है, तो जरूरी नहीं है आप घाट वगैरह चलाने में बहुत स्ट्रगल करोगे। काफ़ी सक्सेसफुल ये इंजन शुरू से रहा है, तो ओवरऑल फोर्स मोटर्स का इसके नीचे हम दिखा देंगे आपको थोड़ी देर में खोल के कि इंजन कैसा है। अगर हम साइड से बात करें तो ये व्हील आर्चेस वगैरह कंट्रास्ट देते हैं, देखो ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन ठीक ठाक लगता है। एक्चुअली टैक्सी में ज़्यादातर गाड़ियाँ चलती हैं ये वाली, तो उसके हिसाब से आपको बढ़िया लगेगी। 15 इंच के ये व्हील्स हैं, 215/75 R15 का ये पूरा सिस्टम है। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात यह कि आप अगर आप इसमें देखोगे तो नीचे से आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल की बात है। ये CNC सेक्शन चैसी है, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको मैनेज किया है। गाड़ी की हाइट भी बढ़िया होती है और 190 mm के आसपास के ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको बहुत आसानी से इस गाड़ी पे मिल जाएगा। एंटी रोल बार यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, जिससे गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। और देखो बेल्ट वगैरह की चीज़ देख लो या बाकी सारी चीज़ें देख लो, पीछे गियरबॉक्स वगैरह भी देखो, तो बहुत बढ़िया तरीके से ना मैनेज गाड़ी को किया हुआ है। आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे आपको अपराइट रेक्टेंगुलर जैसे हमें शीशे मिलते थे, रियर व्यू मिरर्स वो मिलते हैं, मैनुअल एडजस्टमेंट है इसमें और यहाँ पे FM 2.6 CR का ब्रांडिंग मिलता है, मतलब 2.6 लीटर का इसमें इंजन लगा हुआ है, जो फोर्स मोटर्स का पुराना बहुत ही ज्यादा इंजन है, तो ये कॉमन रेल वाला इंजन है। बाकी यहाँ पे कुछ ग्राफिक्स मिल जाते हैं क्रूजर में अलग से, इनकी गाड़ियाँ तो अलग अलग इन्होंने ग्राफिक वगैरह लगाए हुए हैं। डोर हैंडल्स की हम बात करें तो ऊपर से डोर हैंडल अंदर की तरफ से खुलता है, काफी कन्वीनियंट रहता है, काफी ईजी रहता है, कॉस्ट में भी बहुत सही रहता है। और अगर एक चीज़ देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए आप ये वाली पट्टी दे रखी, जिससे कि पानी जितना भी आता है ना वो साइड से उतर जाता है, तो गाड़ी में अंदर की तरफ बौछारे या कोई ऐसा पानी नहीं आता कि गाड़ी आपने बहुत टाइम के लिए छोड़ दी ना बाहर गैराज वगैरह में खड़ी हुई तो दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मतलब यहाँ से पानी आएगा साइड से निकल जाएगा, बहुत अच्छा चीज़ है। इसके अलावा देखो तो यहाँ पर डोर्स पे हिंजेस वगैरह बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे लगते हैं एक्चुअली, ये थोड़ा रिजिड फीलिंग देते हैं, वो एक फीलिंग देते हैं कि आप इस गाड़ी को रफ एंड टफ यूज़ में ले सकते हो। इसके अलावा फुटबोर्ड मिलता है, बच्चे चढ़ रहे हैं, बुजुर्ग चढ़ रहे हैं, वो आसानी से इस पे चढ़ सकते हैं। अब अंदर की तरफ अगर हम बात करें तो पीछे फोर्स मोटर्स का जो एक्सल है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब इसमें कोई खास दिक्कत आई नहीं कभी भी। पीछे पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलती है, जैसे कि अगर उबड़ खाबड़ रास्तों में डाल दोगे गाड़ी को, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गाड़ी उसको चीरते हुए चले जाएगी। नीचे आप देखो यहाँ पे अगर साइलेंसर हमारा एग्जॉस्ट हमारा अगर एंड हो रहा है, तो यहाँ पे इन्होंने एक क्रॉस बीम डाला हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं ये हमारा लॉन्ग मेंबर है, तो ये हमारा शॉर्ट मेंबर है, मतलब ये आपका क्रॉस मेंबर है। तो क्रॉस मेंबर को आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया उसको मैनेज किया हुआ है कि वो साइलेंसर पर चोट नहीं लगने देगा। आगे भी आप देखोगे उस तरफ तो साइलेंसर को प्रॉपर प्रोटेक्ट किया हुआ है, एग्जॉस्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, गियरबॉक्स वगैरह को बहुत बढ़िया तरीके से ये लोगों ने काम किया, मतलब चीज़ें ऐसी लगाई है जिससे आपको कम से कम मेंटेनेंस आए, कम से कम चीज़ें आपकी हो। अब एक चीज़ देखने की कोशिश करो कि गाड़ी उतनी लंबी है, 13 लोगों को लेकर जाती है, तो एक सेक्शन ड्राइवर वाला विंडो होता है, दूसरा सेक्शन ये वाला विंडो होता है और तीसरा ये वाला पूरा पैनल होता है। इनकी हाइट पहले से ज़्यादा बढ़ाई गई है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ज़्यादा दिखता है, मतलब अंदर सवारियाँ फंसी फंसी फील नहीं करेंगी, उनको अच्छे से हवा भी आएगी और वो बाहर का नज़ारा भी आसानी से ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्रूजर का एक स्टिकर मिलता है, ये ग्राफिक वर्क मुझे अच्छा ही लगता है, यहाँ से आप डीजल भर सकते हो, लगभग 64 लीटर के आसपास का डीजल टैंक इस गाड़ी का आता है। तो ये सारी बातें हैं इस गाड़ी के बारे में साइड से। अगर हम पीछे से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे
फोर्स का एक ब्रांडिंग आपको दिख जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर फोर्स की गाड़ी है और यहाँ लाइट जो है वो सिग्नेचर है, मतलब जो फोर्स की टेरेक्स वगैरह गाड़ी है उनमें ये लैंप्स वगैरह हमेशा सिग्नेचर रहे, ये आपका ब्रेक लैंप है, बैक लाइट है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी दिखेंगी, इंडिकेटर वगैरह यही दिखता है। अब कमाल की बात ये कि यहाँ पे अगर आप पीछे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा मज़ा, क्योंकि देखो ये है फ्रंट, ये है फेस टू फेस फेसिंग सीट। फेस टू फेस सीटिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं बैठूंगा, मेरे बीच में एक बंदा और पैर फंसा के बैठेगा, और देखो मैं 6 फीट का हूँ तो अब चूंकि सीट साइड फेसिंग है तो इसके इतनी डेप्थ नहीं रख सकते, मतलब लगभग 15 इंच के आसपास की इनकी डेप्थ होती है। अच्छी बात यह कि यहाँ पे नीचे सामान आपका रख सकते हो, तो सामान अगर आपको रखना है तो सामान नीचे रखा जा सकता है, और ऊपर ये सामने की तरफ ग्रैब हैंडल है कि अगर लोगों को थोड़ा लग रहा है कि यार गाड़ी रोल है, क्योंकि गाड़ी एक्चुअली लंबी है, 5 मीटर से ज़्यादा की गाड़ी है, 3 मीटर के गाड़ी का व्हील बेस है, तो गाड़ी लंबी है, लंबी होने के कारण गाड़ी में थोड़ा बहुत झोल अगर रहेगा, एंटी रोल बार्स दे रखे हैं उस कारण से नहीं होगा, पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग दे रखे हैं उस कारण से नहीं होगा, फिर भी अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, पहाड़ों में चला रहे हो तो इसको पकड़ सकते हो आप, वो चीज़ है। यहाँ पे 2 बॉटल वगैरह भी आ सकती है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर गाड़ी में आप एसी वाला मॉडल लेते हो, ये नॉन एसी मॉडल है, अगर डिलक्स मॉडल लेते हो तो यहाँ पे एक एसी आ जाता है और बिल्कुल सेंटर में एसी वो माउंट रहता है, तो पीछे हवा भी उससे बढ़िया आती है, ये विंडोज़ वगैरह साइड के बढ़िया खुलते हैं, इनसे व्यूज़ वगैरह भी ठीक दिखता है। तो इसमें ओवरऑल आप देखो कि 2 आगे बैठ सकते हैं, 3 यहाँ पे 5 बैठ सकते हैं, और बाकी के जो बंदे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एडजस्ट होते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सीट डिवीजन है कि यार एक सीट पे दूसरा नहीं बैठ पाएगा, तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट के साथ में आप लोगों को बिठा सकते हो, तो ओवरऑल आप यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो लोग हैं वो आपके यहाँ पे बैठ सकते और आ सकते हैं। तो ये बातें इसके बारे में, पीछे से मैंने सोचा कि अंदर जाके पहले दिखाई देता हूँ। अच्छा ये देखो आप यहाँ पे फूड पोर्ट भी है कि अगर भाई कोई भी उतर रहा है तो चढ़ने उतरने में परेशानी ना हो, और यहाँ से देखो आप ये डोर खोलने वगैरह के लिए भी बढ़िया तरीके से चीज़ें, यहाँ ऊपर की तरफ देखो आप तो यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से ये मैकेनिज्म मिल जाएगा, जिस कारण से चीज़ें बढ़िया होती। गेट लगता है अच्छी थर्ड आती है, वो पहले की तरह एकदम वो बचता नहीं है, अब काफ़ी इसको मेच्योर हो गई है गाड़ी, काफ़ी इनको समझ में आ गया है। यहाँ पे आपको एक एसेसरी के तौर पे शायद फोर्स देता है, ऊपर एक कवर आ जाता है, इस पर ऐप लिखा होता है, फोर्स लिखा होता है, बहुत ही बढ़िया वो ओवरऑल लगता है। ये काफ़ी बढ़िया पैनल्स हुए हैं, टैरेक्स लिखा हुआ है, एक्चुअली आपको पता हो कि गामा आपको याद हो, टैरेक्स आपको याद हो, वहीं से ड्राइव होती हैं गाड़ियाँ शुरू से, अगर हम देखें तो ये वहीं से ड्राइव होती है वो सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट सिमिलर गाड़ी है, आइडेंटिकल गाड़ी है, कुछ भी ऐसा अलग नहीं है, वही 2 क्वार्टर विंडोज़ हैं, फिर यहाँ पे आपको ये अच्छा ये सारे पावर विंडोज़ आते हैं, इसके अलावा एक वेरियंट आता है बहुत ही लो वेरियंट जिसको कोई खरीदता नहीं है आजकल, इसमें पावर विंडोज वगैरह कुछ नहीं आते, बहुत ही बेसिक वेरियंट आता है, इसमें आपको पावर विंडोज मिल जाएंगे, स्टीयरिंग व्हील वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, एसी को छोड़ के आपको इसके अंदर सारी चीज़ें मिलती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे फुटबोर्ड वगैरह आपको देखने को मिलेगा। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे ये व्हील्स वगैरह की, तो ये व्हील्स के पीछे अगर एक चीज़ हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक तो पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन, फिर ये सी सेक्शन वाली चैसी जो बहुत अच्छी लगती है, और पीछे इसमें ड्रम ब्रेक्स आते हैं, आगे की तरफ डिस्क ब्रेक आते हैं, जो गाड़ी को ABS और EBD के लिए कंपेटेबल बनाते हैं। अब ABS क्या होता है, मतलब गाड़ी में अगर आप एकदम से ब्रेक लगाते हो तो पहिया आपका घिसटेगा नहीं। EBD क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब कहने का सरल भाषा में ये गाड़ी अगर आप एकदम से मोड़ते हो, झोल मारते हो, तो गाड़ी खुद से ही इतना ब्रेक लगा लेती है, खुद से ही कंट्रोल रहती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम से खुद से इतना कंट्रोल रहती है कि गाड़ी आपकी लाइन नहीं तोड़ेगी, रोड नहीं तोड़ेगी। उसमें मेरे अलग से वीडियोस हैं, आप वो कभी जाके अलग से देख सकते हो। अब मैं चलता हूँ आपको फटाफट से केबिन और दिखा देता हूँ कि क्या कुछ आता है केबिन के अंदर, फिर हम बात करेंगे गाड़ी में कुछ और चीज़ों के बारे में। अगर हम केबिन के बारे में बात करें तो पहले तो आपको सबसे पहली चीज़ जो मिलेगी वो मिलेगा इसका स्टीयरिंग व्हील, जो कि काफ़ी फैमिलियर है हमें फोर्स की गाड़ियों में, अच्छा लगता है, बीच में फोर्स का लोगो वगैरह है, हॉर्न पैड वगैरह अच्छा है। ये आपको कंट्रोल्स मिलेंगे वाइपर के लिए, ये आपको कंट्रोल्स मिलेंगे हेडलैम्प्स वगैरह के लिए, और यहाँ से आप पार्किंग और लैम्प मेन लैम्प वगैरह जला सकते हो। साइड में आपको थोड़ा सा हेडलाइट लेबलिंग मिल जाएगा, गाड़ी पूरी भरी हुई है तो आप इसको 3 नंबर पर जा सकते हो। छोटी सी कैविटी भी यहाँ पर मिलती है, छोटा मोटा सामान आप रख सकते हो, यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगा सकते हो, पीछे की तरफ प्रॉपर तार वगैरह दिए हुए हैं, गाड़ी में स्पीकर वगैरह प्लेस करने के लिए भी बराबर जगह है, तो आप म्यूजिक सिस्टम अगर आपको गाने वगैरह का शौक है, पैसेंजर्स को सुनाना है, आपको सुनना है, तो आप लगा सकते हो। ये आपको एयर जो एसी वाली गाड़ी आती है उसके लिए यहाँ पे एयर वेंट्स आते हैं, इस गाड़ी में एसी नहीं है तो एयर वेंट्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखो आप ये आपका रीजनरेशन का स्विच है, AdBlue यूरिया जो जाता है वो आपका यहाँ से स्विच है, ये आपका हजार्ड लैंप के लिए बटन है, बाकी यहाँ कोई बटन नहीं दिया, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सरल और सादी गाड़ी बनाई है। 12 वोल्ट का पावर आउटलेट है, चार्जर वगैरह लगाना है इस पे, तो इसमें लगा के आप मोबाइल चार्ज वगैरह कर सकते हो। पूरी गाड़ी में यही एक 12 वोल्ट का आउटलेट है और कहीं नहीं देते ये लोग। 5 स्पीड का G32 गियरबॉक्स है, ये मर्सिडीज ड्रिवन होता है, काफ़ी वॉबल वगैरह कम हो गया है, छोटा हो गया है, ये अब थोड़ा शॉर्ट हो गया है, वो चीज़ें यहाँ पे आप देखो तो हैंड ब्रेक आपको देखने को मिल जाएगा, और ये आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहीं मिलते हैं सेंट्रल कंसोल के अंदर, जब ये भी ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से कर सकते हैं, और पीछे वालों का भी आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं। ये चाइल्ड लॉक वगैरह मिलता है, अगर पीछे के ऑपरेशन सस्पेंड करने आपको नहीं करवाने तो ये आप दबा सकते हो। या पीछे की तरफ आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है, और ये आगे की तरफ इकलौता बॉटल होल्डर है, मतलब इस रूम में आप सिर्फ यहीं एक पानी रख सकते हो, बीच में और कहीं भी पानी नहीं रखा जा सकता है। थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस आपको इस ड्राइवर को ड्राइवर के सामने मिलेगा, मतलब यहाँ पे आप थोड़ा बहुत सामान रख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, कागज़ वगैरह आपके जो
इंपॉर्टेंट वगैरह पेपर्स हैं वो रख सकते हो। छोटी सी कैविटी यहाँ आती है, ड्राइवर साइड भी आती है और वहाँ भी आती है। और यहाँ थोड़ा बहुत सामान आपका डैशबोर्ड पर रख सकते हो, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता डैशबोर्ड वगैरह पे सामान कुछ इस तरीके से रखना। IRVM बढ़िया ठीक ठीक दिखता है, ये आपके बढ़िया है। सन वाइजर्स वगैरह की अगर बात करें, ये एक्सटेंड हो जाता है जो कि एक ठीक ठीक चीज़ है कि अगर आप यहाँ से चला रहे हो तो काफ़ी हद तक सन बचा देगा। और वाइपर वगैरह भी इसके ठीक ठाक काम करते हैं, पानी आता है, वेट वाइपर्स नहीं, ड्राई वाइपर्स नहीं है, मतलब वेट वाइपर्स है, पानी आता है शीशे के ऊपर। विंडशील्ड वगैरह बढ़िया है। हवा की आवाज़ भी अब थोड़ी कम हुई है, गाड़ी को एयरोडायनेमिक बनाया, मतलब जैसे हवा वगैरह की आवाज़ आती थी वो भी अब नहीं आती। तो यहाँ से ग्रैब हैंडल्स वगैरह बहुत बढ़िया ओवरऑल रहने वाले। तो गाड़ी देखो आप ड्यूअल कलर में आती है, सीट भी आपकी उसी कलर में आती है। यहाँ पे ये आपको ग्रेश कलर दिया हुआ है, क्रीमिश कलर दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ब्लैकिश कलर दिया हुआ है। तो दो कलर टोन, ड्यूअल कलर टोन थीम को गाड़ी में इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। बाकी आप देखो सीट आगे पीछे जाती है, इसके अलावा आप देखो कि यहाँ से भी चीज़ें होती हैं, मतलब ये भी जो आपका सीट्स है वो भी आगे पीछे जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाड़ी में बहुत ही बढ़िया और ओवरऑल ठीक ठीक दिखती है। हालांकि स्टेयरिंग किसी भी फॉर्म में एडजस्ट नहीं होता, वो एक चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि स्टेयरिंग एडजस्ट नहीं, सीट ड्राइवर की पूरी एडजस्ट हो जाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट सीट दिखा दी बीच वाली रो पे बैठ के और कैसा लगता है, फिर कुछ बातें आपसे और भी करनी है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप जो नोट करोगे वो ये कि यहाँ पे बॉटल होल्डर मिलता है, और ये ऐसा वाला मिलता है ताकि आपको काफ़ी बढ़िया से आपकी बॉटल, आप किसी भी सेफ साइज़ की बॉटल हो वो इसके अंदर आ जाएगी। मैं 6 फीट का आदमी हूँ, 6 फीट के आदमी के लिए ऊपर की तरफ बढ़िया स्पेस दे रखा, मतलब कोई भी टच नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। विंडोज पैंस वगैरह ठीक ठीक है, वो एक बढ़िया बात है। यहाँ पे पावर विंडोज वगैरह की कंट्रोल्स वगैरह मिल जाते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगती है। ये आपका लॉक अनलॉक के लिए स्विच मिल जाता है। और एक चीज़ और कि मैंने आगे बताया था कि इसमें एक ही 12 वोल्ट का आउटलेट है, उस चीज़ के लिए सॉरी, क्योंकि पीछे भी मैं एक्चुअली इसमें कवर था तो मैं देख नहीं पाया था। यहाँ पे देखो ये 12 वोल्ट का एक और आउटलेट यहाँ पे आपको मिलता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब आगे वाले भी चार्ज कर सकते हैं, पीछे वाले भी चार्जर लगा के गाड़ी में अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, ये एक चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पे 3 लोग आसानी से बैठ सकते और ठीक ठीक है, मतलब यहाँ पे स्पेस वगैरह है जो कंफर्ट वगैरह है। नीज वगैरह भी टच नहीं कर रही है, थाई सपोर्ट भी बिल्कुल एकदम मॉडरेट है, क्योंकि आगे की पीछे तो फेस टू फेस करके बैठना है। सामने वाली सीट है जंप सीट्स टाइप से सीट्स है पीछे वाली, तो ये वाला प्रॉपर बेंच सीट है जो कि ठीक लगता है। अच्छा बस विंडो पेन्स वगैरह बढ़े तो आपको बहुत अच्छा इस गाड़ी में लगने वाला है। माइलेज की बात करूँ तो दोस्तों 12 से लेकर 13 का माइलेज बहुत आराम से गाड़ी देगी। कंपनी 15-16 का भी क्लेम करती है, बट सिटी में चलाओगे, हाईवे पे चलाओगे, फुल लोड पे चलाओगे तो मैं मानता हूँ हिल्स वगैरह पे चलाओगे तो 13 के आसपास माइलेज गाड़ी देगी। 13 ही सीटर आती है और गाड़ी की जो कीमत है वो लगभग 13.5 लाख रुपये एक शोरूम है। इंश्योरेंस GST RTO वगैरह मिला के आप 1.5-2 लाख रुपये और पकड़ लो जो आपको गाड़ी मिल जाएगी। अब अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो नीचे मैं एक नंबर दे देता हूँ, उस नंबर पर आप बात वगैरह कर सकते हो तो आप जो है गाड़ी खरीद सकते हो। अब गाड़ी के बारे में ये सारी चीज़ें थी, मतलब काफ़ी ठीक गाड़ी आती है, पहले से काफ़ी बढ़िया हो गई है, आवाज़ वगैरह अंदर कम आती है, इंजन भी कम रिफाइंड हो गया पहले से। अब इस गाड़ी के चला के हम आपको थोड़ी जल्दी जो है कोशिश करेंगे डिटेल्ड वीडियो और दे दें, फिलहाल मैं इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे 5 सीटर गाड़ियों की कीमत 50 लाख जाती है। कहीं पर अगर आप देखो तो एक टैक्सी में चलाने के लिए ले लो और वाइट प्लेट पर रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब घर के लिए भी ले सकते हो आप। AC वगैरह के साथ में अगर टॉप मॉडल डीलक्स मॉडल ले लो तो बल्ले बल्ले है जी इसमें। तो फोर्स की ये जो गाड़ी है क्रूजर, वो अपने आप में शुरू से सक्सेसफुल रही है, अभी भी सक्सेसफुल है। अब तो और चेंजेस और नए इंजन और बढ़िया बढ़िया चीज़ों के साथ में आती है। 90 हॉर्स पावर की पावर दोस्तों किसी भी फॉर्म में कम नहीं होती है, 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क की टॉर्क किसी भी फॉर्म में कम नहीं होता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि गाड़ी मुझे ठीक लगती है। अब मेरा वॉक अराउंड वीडियो था, बहुत लंबा चला के डिटेल वीडियो आएगा तो और ड्राइविंग इंप्रेशन और दे देंगे कि चलने करने में कैसी है, कहाँ ब्रेक लग रहे हैं, कहाँ ताकत कम लग रही, कहाँ ज़्यादा लग रही, वो सब चीज़ें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है, गाड़ी की कीमत मैंने आपको बता दिया है, माइलेज मैंने आपको बताने की कोशिश की है, सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए, इंश्योरेंस सबसे पहले रिन्यू कराइए और ट्रैफिक पुलिस में से विवाह जमा झगड़िए। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद राम।